तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं रिसर्च का मतलब क्या होता है। रिसर्च तो देखो, जो रिसर्च वर्ड है उसके अपने अंदर ही उसने दो वर्ड्स छुपाए हुए हैं, जो है रिसर्च। री का मतलब क्या होता है? अगेन, फिर से। और सर्च का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ढूंढना। सो रिसर्च का मतलब री मीन्स अगेन एंड सर्च मीन्स टू फाइंड आउट समथिंग। तो यहाँ पे रिसर्च के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो रीड आउट कर लेते हैं और उन्हें समझते हैं। द वेरी कॉमन मीनिंग ऑफ रिसर्च इज अ सर्च फॉर नॉलेज। रिसर्च का मतलब ही क्या होता है कि एक नॉलेज के ऊपर सर्च करना, ठीक है। अब ये नॉलेज किस थिंग में हो सकती है? अब आपको लगता है किसी चीज के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है, तो आप उन्हें इन डिटेल में पढ़ोगे, तो आप क्या कर रहे हो? नए फैक्ट्स आप स्टडी कर रहे हो, तो उस चीज को आप रिसर्च बोल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, रिसर्च इज फ्रॉम नोन टू अननोन। नोन टू अननोन कैसे होगा? अब सपोज आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, ठीक है। अब 9th स्टैंडर्ड की चीजें तो आपको पता होगी, आपकी क्या क्या पढ़ाई है आपको पता होगा। अब वही आप 10th में जा रहे हो, तो आप खुद देख सकते हो कि जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है उसी का लिंक अगले क्लास में होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा नया का नया कॉन्सेप्ट ही आ जाता है, कहीं ना कहीं वहां पे एक लिंक रहता है। तो नोन टू अननोन मतलब कि कुछ चीजों का लिंक ऑलरेडी उसके अंदर होता है, उसी के साथ में कुछ अननोन न्यू चीजें आप वहां पे सीखते हो। रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक सर्च फॉर पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। ऑब्वियसली आप एक प्रॉब्लम डिसाइड कर लोगे जिसके ऊपर आपको स्टडी करना है, वो आप एकदम सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक वे में करोगे। रिसर्च इज अ वॉयेज ऑफ डिस्कवरी। सो रिसर्च जो रहता है वो बेसिकली क्या है? एक वॉयेज ऑफ डिस्कवरी होता है। वॉयेज का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक लॉन्ग जर्नी आप तय करते हो, ठीक है, एक लॉन्ग जर्नी, अ लॉन्ग जर्नी। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी। ये एक बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी है, क्योंकि यहाँ पे आप आपके जो भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम जो आप डिसाइड करते हो उसे आप सॉल्व करते हो। इट इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। सो सबसे पहले आप एक प्रॉब्लम को ढूंढते हो, देन उसके ऊपर आप काम करते हो। सो ये नेक्स्ट हम देखते हैं रिसर्च की कुछ डेफिनेशंस जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। रिसर्च देखो मतलब तो एक ही रहेगा रिसर्च का, बट अलग अलग वे में अलग अलग डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि डेफिनेशन के बेसिस के ऊपर भी आपको सेंटेंसेस फ्रेम करके एग्जाम में आते हैं। इसलिए अगर आप कुछ देखते हो डेफिनेशन को, तो उन्हें भी रीड आउट कर लो, ताकि उनके थ्रू भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजिली कर सको। सो रिसर्च इज डिफाइंड एज अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। ये सबसे और सबसे ईजी एंड सबसे सिंपल डेफिनेशन है, एंड ये मोस्ट ऑफ द बुक्स में मैंने देखा है ये डेफिनेशन दी गई है। रिसर्च जो है ये केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है, किसका? कुछ न्यू फैक्ट आपको स्टडी करना है उसके ऊपर, कोई भी ब्रांच ऑफ नॉलेज मतलब किसी भी फील्ड में। रिसर्च इज द मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स concepts or symbols for the purpose of generalizing to extend, correct or verify knowledge, whether that knowledge aid in construction of theory or in the practice of an art. So basically research क्या होता है? Manipulation of things करता है, फिर उनके basis पे वो things को verify करता है, and lastly एक theory develop हो जाती है। Research as the process of systematically obtaining accurate answers to significant and pertinent question by the use of scientific method, gathering and interpreting information. So research यहाँ पे एक और definition है, यहाँ पे बोला गया कि एकदम systematically तरीके से accurate answer को obtain करना and उसे analyze करना and उसके basis पे pertinent information use करना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, तो यहाँ पे मैं रिसर्च के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम देखने वाले हैं। टू हैव थरो नॉलेज, तो आप अगर कुछ चीज कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना ही चाहिए किसी भी चीज के बारे में। टू नो द लेवल ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, आप यहाँ पे दो चीजें दो वेरिएबल्स लोगे उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना भी जरूरी है। नेक्स्ट है टू फाइंड द ट्रुथ which is hidden and which has not been discovered yet. So, अगर आप मान लो कुछ पहले वाली रिसर्च है, आप उसे चेंज तो नहीं कर सकते हो, बट आप उसे फिर से देख जरूर सकते हो। तो उसके ऊपर अगर आपको कोई न्यू चीज आपको
मिल रही है तो आप उस चीज को भी यूज कर सकते हो. टू अचीव न्यू इंसाइट और गेन फेमिलैरिटी ऑफ फिनोमिना, कुछ न्यू इंसाइट, कुछ न्यू चीज़ें आपको मिल रही है रिसर्च में, अचीव करते हो आप तो वो सब चीज़ें. टू फाइंड एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल. सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ना कि आपके डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के साथ में रिलेटेड होता है, वो आने वाले लेसन्स, आने वाले वीडियोस में आपके साथ में मैं डिस्कस करूँगी. अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और अ ग्रुप, ठीक है, उनके ऊपर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना. टू डिटरमाइन फ्रीक्वेंटली विथ विच समथिंग ऑकर्स, मतलब कि कुछ चीज़ फ्रीक्वेंटली जो हो रही है. सो ये जो ऑब्जेक्टिव है ये किससे अचीव कर सकते हैं हम, डायग्नोस्टिक रिसर्च वर्क. सो ये अलग अलग टाइप की रिसर्च जो होती है वो भी हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल. सो जब हम टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस को तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च में आता है. टू कैरी वर्क फॉर बेटरमेंट और अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी. सो बेसिकली रिसर्च इकोनॉमिक के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है क्योंकि उसके वजह से सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट होती है एंड बेटर कंडीशन आ जाती है सोसाइटी या इकोनॉमिक के अंदर. रिसर्च एड्स टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ द नॉलेज. आपको पहले से किसी चीज़ के बारे में थोड़ा ज्ञान है, उस चीज़ को और डिटेल में पढ़ना तो और आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ जाती है. रिसर्च कंस्ट्रक्ट क्रिएट अ न्यू प्रोसीजर और सिस्टम. सो रिसर्च के वजह से क्या होता है, एक न्यू सिस्टम डेवलप हो जाता है. सो रिसर्च इज़ अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. सो रिसर्च एक सॉल्यूशन भी है एक प्रॉब्लम के ऊपर. एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि आप पहले आपके हाइपोथेसिस डिसाइड कर देते हो या पहले ही सोच लेते हो आपको किस फील्ड में काम करना है. रिसर्च इन्वेस्टिगेट द एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम. रिसर्च जो है वो क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं, एग्जिस्टिंग सिचुएशन आपकी या एक प्रॉब्लम को. द ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडिंग ऑब्टेनिंग आंसर्स टू रिसर्च क्वेश्चंस और टेस्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस. सो ऑब्जेक्टिव क्या होता है रिसर्च का, कि आंसर को ऑब्टेन करना, सॉल्यूशन को ऑब्टेन करना रिसर्च प्रॉब्लम या क्वेश्चन के थ्रू. सो आज की क्लास में, आज की वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ में रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने वाली हूँ. टिल देन मेरे साथ में कनेक्ट रहना ताकि आपको जो भी न्यू नोटिफिकेशन आने वाली है वीडियोस की सबसे पहले आप देखो. एंड हाँ, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कर देना एंड लाइक ज़रूर कर देना एंड कमेंट सेक्शन में बता ज़रूर देना कि आपको ऐसे टाइप के वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हो, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं है. तो कमेंट करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना अगर आपने अब तक नहीं किया. ओके, बाय बाय, थैंक यू. वेलकम टू माई चैनल लर्न विथ हिना. सो गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड उसके अलावा आप मुझे अन अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हो. वह मेरे कोर्सेज बहुत ही इजी ऑफ कॉस्ट पे, आप जब भी चाहो उन लेसन्स को देख सकते हो एंड आप स्पीड बढ़ा भी सकते हो लेसन्स की. अगर आपको लग रहा है बहुत स्लो है तो आप बढ़ा सकते हो. MCQs के ऊपर भी मैंने बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पे डाले हैं एंड वेरियस कॉन्सेप्ट पेपर 1 एंड पेपर 2 के ऊपर भी मैंने डिस्कस किया है. जैसे कि कल ही बता दिया था कि मैं आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 के ऊपर वीडियोस प्रोवाइड करने वाली हूँ एंड जैसे कि मैंने आपसे कहा था मैंने वो स्टार्ट भी कर दिया है. और उसके अलावा मैं आपके लिए और भी नए नए वीडियोस लेके आने वाली हूँ. बट मुझे सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको कैसा लगता है. बिकॉज जब मेरे सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है. ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर कर देना, लाइक कर देना वीडियोस को एंड शेयर करना ना भूलना. ठीक है, सो बेसिकली हमारा जो ये वीडियो है क्वेश्चन है रिसर्च एप्लीकेशन, तो वहाँ पर मैंने आपके साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था रिसर्च के बारे में इन डिटेल. सो आज जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च करने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं. सबसे पहला पॉइंट है द रिसर्च हैज़ अ पर्पस. ऑब्वियसली अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उसका कोई ना कोई तो पर्पस होता ही है. सो वैसे ही रिसर्च का एक अपने आप में ही एक पर्पस होता है. सो इट एम्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय इन्वेस्टिगेटिंग इट एंड प्रोवाइडिंग एक्शनेबल एविडेंस.
बेसिकली ये सॉल्व करता है प्रॉब्लम, कैसे इन्वेस्टिगेट करता है उस चीज को एंड उसके ऊपर प्रॉपर एक्शंस लेते हैं, एविडेंस जो भी चाहिए वो। नेक्स्ट पॉइंट आता है द हाइपोथेसिस शुड बी टेस्टेबल। अब देखो आप दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं आपके, ठीक है। एक तो आप कहते हैं नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के ऊपर भी जैसे जैसे हमारे वीडियोस बढ़ते जाएंगे मैं इन डिटेल हर एक टॉपिक को आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। सो अभी के लिए बस इतना ही समझ लो कि रिसर्च करोगे तो उसके अंदर आपको हाइपोथेसिस जो भी आप लेने वाले हो उसे आप टेस्ट कर सको, ऐसा वाला आपको हाइपोथेसिस फ्रेम करके लेना है। इट शुड बी एबल टू बी लॉजिकली टेस्ट वेदर योर थियोरी इज एम्पिरिकली सपोर्टेड बाय डेटा। एम्पिरिकली मतलब ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ऐसा हाइपोथेसिस लेना जिसको आप टेस्ट कर सको, ठीक है, लॉजिकली आप उसे टेस्ट कर सको। द फाइंडिंग शुड बी रेप्लिकेबल। सो यहाँ पे क्या बोला गया है, रेप्लिकेबल या रिलायबल भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे। सो जो भी आप फाइंडिंग्स लेने वाले हो, ठीक है, तो वो एकदम कंसिस्टेंस होना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड व्हेन द रिसर्च इज कैरिड आउट मल्टीपल टाइम्स इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। बेसिकली आपको यही समझना है कि जो रेप्लिकेबल या तो रिलायबल वो एकदम कंसिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्रेडिटिबिलिटी। द सोर्सेज चूजन फॉर द रिसर्च शुड बी ऑथेंटिक। अब आप जो भी सोर्स चूज करोगे वो एकदम ऑथेंटिक होना चाहिए। दिस इंक्लूड्स द यूज ऑफ द प्राइमरी डेटा जनरेटेड फ्रॉम फर्स्ट हैंड सोर्सेज बैक्ड बाय एक्यूरेट रेफरेंसेस इंस्टेड ऑफ सेकेंड हैंड सोर्सेज दैट इज सब्जेक्ट टू मैनिपुलेशन बाय ह्यूमंस। तो यहाँ पे यही बोला गया है क्रेडिटेबिलिटी मतलब एकदम ऑथेंटिक। ऑथेंटिक कब माना जाता है, जब हम खुद हाथ से जाते वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसे हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कह सकते हैं या प्राइमरी भी कह सकते हैं, बट हम किसी और के रेफरेंस के थ्रू या उस चीज़ को हम मैनिपुलेट करके जब यूज़ करते हैं तो वो आपकी सेकेंड हैंड बन जाती है, सेकेंडरी बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्यूरेसी। ईच रिसर्च प्रोसेस इंक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंट्स टूल्स ऑब्जर्वेशन मस्ट बी रिलेटेड टू ईच अदर। एक्यूरेसी मतलब एकदम एक्यूरेटली आप उसे यूज़ करना चाहिए, मतलब जो भी आप इंस्ट्रूमेंट टूल्स या ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सब आपस में रिलेट होने चाहिए, मतलब आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। Thus, it is necessary to select the best possible tools that will improve the accuracy of the research. So, इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसा select करें possible tool ऐसा कि जो accurate हो। Systematic. The research must be conducted in an organized, methodical and systematical manner without biases following the entire process properly. So, एकदम systematic and साइंटिफिक वे में रिसर्च करनी चाहिए विदाउट बायसनेस, मतलब कि कोई पार्शियलिटी या कोई मैनिपुलेशन करके रिसर्च का काम नहीं होना चाहिए। दिस इंक्लूड्स टेस्टिंग द प्रोसीजर पीरियडिकली एंश्योरिंग इट सपोर्ट्स द रिसर्च जनरेटेड। इसका मतलब ये कि पीरियडिकली हम उसे देखते रहे, टेस्ट करते रहे और देखें कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हो वो एकदम प्रॉपर फॉर्म से किया जा रहा है और उसके ऊपर से थियोरी डेवलप हो सके। नेक्स्ट आता है एम्पिरिकल। The research should be conducted using proper scientific method and procedures. So, empirical में क्या होना चाहिए, यहाँ पे basically observation and experience को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। Empirical का मतलब ही यही होता है, its accuracy must be tested to direct observation and experience के through देखा जाता है। Statistics देख रही है research की and thank you for watching this video and please subscribe my channel. एंड इफ एट ऑल आपको पसंद आया हो आज का लेसन, आज की वीडियो, तो कमेंट करना ना भूले एंड लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के कॉन्सेप्ट्स करेंगे एंड अब थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाने वाली हूँ क्योंकि हमारे पास में टाइम कम है एंड कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, तो मैं ट्राई करूँगी मैक्सिमम पोर्शन कवर अप करने का। ओके, बाय बाय, थैंक यू।